बिहार सरकार ने मछली पर बैन लगा दिया है। हालांकि 3 दिनों के बाद सरकार ने यू टर्न लिया और जिंदा मछली पर पाबंदी तो हटा ली है, लेकिन इससे मछुआ समाज के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी हैं, जो लगातार इसको लेकर के आंदोलन चला रहे हैं। मुकेश सहनी जी, आज आपने एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया है, क्या कुछ अल्टीमेटम सरकार को दिया है आपने? देखिए, खास करके मछुआरा समाज को परेशान करने के लिए एक राजनीतिक साजिश किया गया है। 7 तारीख को इस महीने में हमारे एक कार्यक्रम चला पूरे बिहार में, माछ भात खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे। ये कार्यक्रम हमारे पूरे बिहार में प्रखंड और प्रदेश जिला स्तर पे कार्यक्रम किया जा रहा है। इसको देख के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बौखला के और आनन फानन में बगैर सोचे समझे बगैर रिपोर्ट का बिहार में मछली बैंड कर दिया। फिर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया, बिहार के निषाद आक्रोशित हुआ तो उस जगह पर उन्होंने जिंदा मछली, लोकल मछली को उन्होंने वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि जिंदा मछली बेचा जा सकता है और आंध्र प्रदेश का मछली बैंड रहेगा। उसका एक हवाला आया बिहार सरकार का एक पेपर के जरिए कि 12 मछली का उन्होंने सैंपल लिया था और 12 मछली में फॉर्मिंग पाया गया। तो जब अगर 12 मछली का लोकल मछली और आंध्र प्रदेश के मछली में फॉर्मिंग पाया गया तो फिर आप कैसे 6 मछली को आपने रिलीज कर दिया, जिंदा मछली को कैसे बेचने के लिए आपने कर दिया, और फिर आंध्र प्रदेश की क्यों बंद मछली बंद रखे हैं? और 22 से 25 साल से मछली हम लोग बिहार में आ रहा है आंध्र प्रदेश का, और मछुआरा समाज रोज़ मछली खाता है। जब ग्राहक 1 या 2 या 5 बार महीने में खाते हैं, लेकिन मछुआरा रोज़ वो सेवन करते हैं, और मछुआरा के घर में आज तक इस तरीके का कहीं पे पूरे बिहार में कैंसर का ऐसा व्यवस्था नहीं हो पाया, तो आप कहीं ना कहीं गलत आपका रिपोर्ट है, और फिर आप कहीं ना कहीं इसके लिए राजनीति कर रहे हैं। और बिहार में बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं उनका बड़ा बड़ा तालाब है, जो मछली आज लोकल मछली अगर 300 रुपये किलो बिक रहा है, अगर आंध्र प्रदेश का मछली बंद हो जाए तो 600 रुपये किलो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए और कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े कंपनी जो मछली जो इन बिहार में भेजा जा रहा है, रोज़ 22 ट्रक मछली आता है, तो बड़े बड़े कंपनी के साथ उनका कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट किया जा रहा है कि कोई एक कंपनी के साथ हम मछली का व्यवस्था करेंगे, वो मछली बिहार में आएगा और उस कंपनी के साथ बड़ा कट लेने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग रोड पर उतरे हैं और सरकार को चता रहे हैं कि 24-48 घंटे में आप निर्णय को वापस ले और निषाद समाज के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, नहीं तो हम लोग पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन करेंगे। 22 तारीख से हमारा गर्दनी बाग पे आमरण अनशन होगा, पार्टी के पदाधिकारी करेंगे और पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन करेंगे। और कहीं ना कहीं जो आपका नीति है वो गलत है, अब मुकेश सहनी को या मल्ला समाज को, निषाद समाज को परेशान करने का जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप बंद कीजिए और एक गलत राजनीति करना बंद करें। जानबूझकर साजिश रची जा रही है आपके खिलाफ में? जी, निश्चित तौर पर साजिश किया जा रहा है। अगर आप 6 दिन के अंदर में आप रिपोर्ट कहां से ले आए, और जब रिपोर्ट आ गया कि उसमें फॉर्मिंग पाया गया, तो आप किसके पूछ के बगैर रिपोर्ट का जांच किया आपने आधा मछली को रिलीज कर दिया? आधा रिलीज कर दिया तो पूरा का पूरा रिलीज कीजिए। आंध्र प्रदेश का मछली 22 स्टेट में मछली जाता है, कहीं पर बैंड नहीं है, सिर्फ आप बिहार में क्यों बैंड कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मछुआरा मल्ला समाज को परेशान कर रहे हैं, वो करना बंद कीजिए, क्योंकि अभी मल्ला समाज में सन अप मल्ला पैदा ले चुका है और मजबूती से अपने समाज का हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। आज 50,000 परिवार मछली बेचने का काम करता है, आज उनको रोजी रोटी का पर संकट आ गया, वो कल से क्या खाएगा? और मेरे पार्टी और हमारे संगठन के रहते हुए ऐसा नहीं होने देंगे और सरकार को झुकाएंगे और उसको वापस लेना पड़ेगा और सही से जाँच कराए, बेंगलोर भेजिए, मुंबई भेजिए, बड़े बड़े लैब में भेजिए और उसको जांच कराइए। अगर इस तरीके का अगर सही में अगर फॉर्मिंग पाया जाता तो मैं आपको कहता हूँ बैंड कर दीजिए, लेकिन पाया जाता तो ना 22 राज्य में मछली बिक रहा और आपके राज्य में आप बंद कर दिए, अब बगैर पूछे हुए 6 रोज के अंदर में रिपोर्ट ले आते, तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं और उस गलत नहीं चलने देंगे और उसको हम लोग रोटा। माछ भात आपने कार्यक्रम किया, वो ग्रैंड सक्सेस हुआ, क्या उस कार्यक्रम से सरकार घबरा गई है? जी, निश्चित तौर पे वो कार्यक्रम हमारा ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा हिट हो रहा है हर जगह। कल हमारा बेगूसराय में कार्यक्रम है, 21 तारीख को मोतिहारी में कार्यक्रम है। इसको देखते हुए उन्होंने सोचा कि हम अगर इस तरीके का कार्यक्रम कर देते हैं, बैंड कर देते हैं, तो मछली इनको उपलब्ध नहीं होगा और ये कार्यक्रम बंद कर देंगे, लेकिन हमें थोड़ा महंगा उपलब्ध हो रहा है, हम खुद अपने तालाब से मछली निकाल के लोकल जिंदा मछली को निकाल के कर रहे हैं, तो आज हमें कहीं ना कहीं ये सरकार का रणनीति है कि ये कार्यक्रम रोका जाए, लेकिन कार्यक्रम रुकेगा नहीं, पूरे बिहार में मजबूती से किया जाएगा। सरकार का यह जो निर्णय है, अगले लोकसभा चुनाव में इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल ही भोगना पड़ेगा और अभी भोगना पड़ रहा है, और सरकार को झुकना पड़ा जब हमने पूरा बिहार में धरना प्रदर्शन और पुतला उतला दहन किया, सरकार 24 घंटे में झुका और अब 48 घंटा में झुकना पड़ेगा, नहीं तो बिहार में हम और हम इनको उखाड़ फेंकेंगे।
एक और सवाल है कि आप महागठबंधन में शामिल हुए हैं, आगे क्या क्या लगता है, सीट का बंटवारा कब तक हो जाएगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। कांग्रेस हमारे सहयोगी हैं और वो उनको एक रैली कर रहे हैं 3 तारीख को, उसमें पूरे कांग्रेस के पदाधिकारी लगे हुए हैं। इसके लिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, और नहीं तो बहुत जल्दी हम लोग इंटरनल क्लियर हो चुका कि इनको कितना सीट मिलना चाहिए, कहाँ मिलना चाहिए, वो सारा मैक्सिमम 90% क्लियर हो चुका है। हम लोग एक बार बैठेंगे और वो क्लियर करके आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी रख देंगे। क्या लगता है, आप चर्चा है कि आप दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे? हमारी पार्टी के पास जो सीट आएगा उस पर हम लोग निर्णय लेंगे, और मेरा गृह जिला है दरभंगा, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव हमें भी लड़ना है, तो हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि दरभंगा लोकसभा में ही चुनाव लड़ा जाए। उसके बावजूद भी हम गठबंधन में बैठेंगे, सब मिलकर डिसीजन लेंगे। अभी उस पर कोई नहीं है, अभी हमने प्लानिंग नहीं फाइनल किया, लेकिन हमारे गठबंधन बैठेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो ये थे मुकेश सहनी, जिन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि सरकार का जो मछली बैन पर निर्णय है उसे वापस ले, अन्यथा पूरे बिहार में इसको लेकर के आंदोलन किया जाएगा। कैमरामैन रवि मिश्रा के साथ विवेकानंद, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।